गुड इवनिंग एवरीवन. सो आई एम ज्योति प्रकाश राउत राय वेलकमिंग यू टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ वाणिक स्मार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 17th October 2022. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो आर यू गाइस रेडी? ओके. So let's get started with the first question. Which state recently launched Kutti Cop, a red safety awareness education project? Kutti Cop road safety awareness education project launched by which particular state? So what will be your answer? Your answer is Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu state recently launched this app. Okay, and this is developed by Coimbatore based NGO UIR. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू. हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी on chemicals and fertilizer. Parliamentary standing committee जो बनाया गया है chemicals and fertilizer के लिए, उसके chairperson किन्हें बनाया गया है? So answer क्या रहेगा आपका? Shashi Tharoor जी, जो कि Congress MP from Thiruvananthapuram, Kerala. Okay, guys? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री. विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा. फटाफट इसका आंसर आप लोग बता दीजिए. कौन सा कंट्री? इंडिया पे ये हो रहा है. ठीक है. ओके. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग. रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022. ओके. व्हाट आर द डेजिग्नेटेड वेन्यूज फॉर द इवेंट्स? वेन्यूज क्या रहेगा इन मैच अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा, नेक्स्ट रहेगा आपका फतोदरा स्टेडियम गोवा, और तीसरा स्टेडियम रहेगा आपका DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई. DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई. ओके. ये तीनों आपके वेन्यूज हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. एक स्टैटिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
कौन से स्टेट में मौजूद है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से पर्टिकुलर स्टेट में है? कौन सा स्टेट? उत्तराखंड। अब ये क्वेश्चन क्यों मैंने डाला, क्योंकि रिसेंटली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक टाइग्रिस्ट ने अटैक करके दो लोगों का जान लिया है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग कौन से पर्टिकुलर स्टेट का आर्ट फॉर्म है? सो आंसर क्या रहेगा? तेलंगाना, ठीक है। और ये जो आर्ट फॉर्म है चेरियल पेंटिंग, रिमेंबर दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नकाशी आर्ट, ठीक है। नकाशी आर्ट एक ओल्डर वर्जन ऑफ आर्ट है जो तेलंगाना में या हैदराबाद में बेसिकली देखा जाता है, उसका मॉडिफाइड वर्जन है चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड साइंड एन एमओयू ऑफ रुपीज 5,400 crore विथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड या RVUNL टू सेट अप एन सोलर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? राजस्थान के कौन से प्लेस में कोल इंडिया एंड RVUNL के बीच में सोलर पावर प्लांट सेटअप करने का एग्रीमेंट साइन हुआ है? सो आंसर इज बीकानेर, राजस्थान पे ये सेटअप हो रहा है। और इसका कैपेसिटी कितना रहेगा, इस सोलर पावर प्लांट का कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट है 5,400 crore का और कैपेसिटी रहेगा 1190 megawatt। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए न्यू स्कीम हिमकैड टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर्स लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? हिमकैड स्कीम कौन से पर्टिकुलर स्टेट ने लॉन्च किया है? पर्पस उसका है प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू फार्मर्स। अब नाम से ही अगर पता कर पा रहे हो ऑप्शन से, सो वेरी गुड, आंसर क्या रहेगा आपका? हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब ये स्कीम क्यों निकाला है हिमाचल प्रदेश ने, कि एज पर रीसेंट डाटा 80% ऑफ हिमाचल प्रदेश 80% ऑफ हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल एरिया और एग्रीकल्चरल लैंड इज रेन फेड, बारिश नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसी वजह से ये स्कीम निकाला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन इथियोपियन डेलीगेशन लेड बाय एग्रीकल्चरल मिनिस्टर डॉक्टर मेलेज मेकनन यमेर विजिटेड विच स्टेट
to study the first of its kind, Raitu Varosa Kendras. Raitu means farmers. Raitu means farmers. और Raitu ये Telugu language है. Farmers को Telugu में farmers Raitu बोला जाता है. ठीक है. तो अब आंसर भी आप लोगों को पता लग चुका होगा. क्या है आंसर आपका? आंध्र प्रदेश. ठीक है. Raitu Varosa Kendras लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने. ठीक है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द ओनली स्टेट विच हैज अचीव्ड द टारगेट फॉर 2022 क्वार्टर वन क्वार्टर टू फॉर जल जीवन मिशन फॉर प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन. टैप वाटर कनेक्शन के लिए कौन से पर्टिकुलर स्टेट ने ओके तो कौन से स्टेट ने फर्स्ट कौन सा स्टेट फर्स्ट प्लेस पे आया है आपका? आंसर इज तमिलनाडु. ओके ओनली स्टेट जो 2022 में क्वार्टर वन क्वार्टर टू में अचीव किया है टारगेट. ओके और कनेक्शन कितने को दिया गया है क्वार्टर वन क्वार्टर टू में? 69.57 lakh households provided with tap connections as of October 2022. Okay guys, और तमिलनाडु का ये टोटल है, ये टोटल जो अचीव हो पाया है, टोटल अचीवमेंट. बाकी तमिलनाडु का कितना है? तमिलनाडु ने 16.25 lakh टैप कनेक्शंस. टोटल हुआ है 69.57. तमिलनाडु का उसमें 16.25 lakhs. ओके बाकी फाइनेंशियल ईयर 23 टारगेट कितना है? टारगेट फॉर तमिलनाडु 28.48 lakh टैप कनेक्शन. ओके गाइस अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2022 is observed across the globe on which date? Answer is 14th October. Theme क्या रखा गया है इस date का? इस साल का theme क्या है? Shared version, vision for a better world. Shared vision for a better world. ठीक है guys? चलिए next question पर चलते हैं. Which organization recently partnered with the ICC or International Cricket Council
टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी थ्रू क्रिकेट, क्रिकेट के थ्रू जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ MOU साइन किया है? सो योर आंसर इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, या जिसे इन शॉर्ट हम यूनिसेफ बोलते हैं, और जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क है. ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर दुबई UAE है. ठीक, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. IRDAI गेव अप्रूवल टू मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विद द HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. IRDAI ने कौन से पर्टिकुलर कंपनी को HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज होने के लिए परमिशन दिया है? सो कौन सा? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, ओके. कितने में डील हुआ है ये? ₹6,687 करोड़. HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को 6,687 करोड़ में परचेज किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. रवि कुमार S रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंपनी. रवि कुमार S कौन से कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिन्होंने रिसेंटली रिजिग्नेशन दिया है? कौन सा कंपनी? इंफोसिस लिमिटेड. ठीक है, इंफोसिस लिमिटेड के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 2016 से वो प्रेसिडेंट थे. ठीक है, अब वो रेजिग्नेशन दिए हैं. बाकी CEO कौन है इंफोसिस के? इंफोसिस CEO कौन? सलील पारेख. और हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? बेंगलुरु. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब्दुल लतीफ रशीद रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. अब्दुल लतीफ रशीद रिसेंटली कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? योर आंसर इज इराक. इराक के बने हैं. ठीक है, ओके. कौन से पार्टी के हैं ये? पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान. ठीक है, इस पार्टी के मेंबर है या पॉलिटिशियन है, न्यू प्रेसिडेंट बने हैं. ठीक, और कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? 9th प्रेसिडेंट इराक के. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. मोंडेलेज इंडियाज श्री सिटी फैक्ट्री इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वन फोर्थ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. यह अवार्ड देता कौन है? आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये अवार्ड देता है एंड मॉन्डेलेज इंडिया थ्री सिटी फैक्ट्री इज वन ऑफ द फर्स्ट एफएमसीजी प्लांट इन इंडिया. ठीक है, इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट एफएमसीजी या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट है उसी को दिया गया, वो चुना गया है फोर्थ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड के लिए. ठीक, अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड. कोलोगनी स्विट्जरलैंड. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच कंपनी रिसेंटली गॉट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑथराइजेशन टू यूज क्लाउड टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए कौन से कंपनी को माइती के तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरफ से मिला है अप्रूवल? तो क्लाउड टेक्नोलॉजी किसका है? गूगल क्लाउड का ही है. वेरी फर्स्ट, सो गूगल क्लाउड को ये परमिशन दिया गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. RBI recently cancelled the certificates of registration of how many NBFCs in India? कितने non-banking financial कंपनियों का लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन RBI ने recently cancel किया है? कितने? 8 NBFCs के. ठीक है, अगर नाम बोलने जाए तो कंपनी के नाम एज फॉलोज, अश्विनी इन्वेस्टमेंट, अश्विनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड. सेकंड इज RM सिक्योरिटीज, RM सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड. तीसरा है आपका अमेटी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड. फोर्थ इज मैट्रिक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड, मैट्रिक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड. फिफ्थ इज SRM प्रॉपर्टीज, SRM प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. नंबर सिक्स इज नॉर्थ ईस्ट रीजियन फिन सर्विसेस लिमिटेड. सेवेंथ इज सोजन भी फाइनेंस लिमिटेड. नंबर एट इज ओपल फाइनेंस लिमिटेड. तो ये 8 कंपनियां ऐसे हैं जिनके लाइसेंस रिसेंटली RBI ने आपका कैंसिल किया है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. वर्ल्ड बैंक रिसेंटली एक्सटेंडेड
how much unconditional loan for salt project of Andhra Pradesh government? तो salt जो है आपका, salt क्या है? Supporting Andhra's supporting Andhra's learning transformation supporting Andhra's learning transformation इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने अमाउंट का अनकंडीशनल लोन साइन किया है या अप्रूव किया है. सो योर आंसर विल बी $250 million. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट विथ इजराइल टू रिजॉल्व द मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट? कौन से पर्टिकुलर कंट्री ने इजराइल के साथ रिसेंटली MOU साइन किया है बॉर्डर डिस्प्यूट हटाने के लिए या दूर करने के लिए? तो ये बहुत दिनों से चल रहा था इजराइल और उस कंट्री के बीच में, इसलिए इसे एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट माना जाएगा. सो कौन सा कंट्री? आंसर विल बी लेबनन. और इनके बीच में मीडिएटर कौन है? मीडिएटेड बाय USA. ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए मीडिएटर इन दोनों के बीच में USA रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच इंडियन नेवल शिप has recently participated in the Ibsamar 2022 joint multinational maritime exercise. Ibsamar joint multinational military exercise के लिए कौन सा particular Indian naval ship participate किया है? अब और एक चीज ये याद रखिएगा, दिस इज द सेवेंथ एडिशन ऑफ इब्सामार एक्सरसाइज 2022. कौन सा इंडियन नेवल शिप? INS तारकश. ठीक है, इंडिया की तरफ से INS तारकश पार्टिसिपेट करेगा. और ये मैरिटाइम एक्सरसाइज कहां पे होने वाला है? हेल्ड एट साउथ अफ्रीका. ठीक है, इब्सामार आपका क्या है? इंडिया साउथ अफ्रीका ब्राजील. इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरिटाइम एक्सरसाइज है. ठीक है, ओके याद रहा साउथ अफ्रीका इंडिया एंड ब्राजील, ये तीनों कंट्री का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच ऑफशोर नेवल सिक्योरिटी एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय द ईस्टर्न नेवल कमांड एट आंध्र प्रदेश रिसेंटली? Which offshore security exercise Eastern Naval Command ने आंध्र प्रदेश में recently organize किया था? कौन सा exercise? Exercise प्रस्थान हुआ कहां पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में. विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये हुआ है. ठीक है गाइस, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट
with respect to President of India Draupadi Murmu's visit to Assam. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आसाम के विजिट में रिसेंटली थी, तो उनके विजिट रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो कौन सा पॉइंट सही है यहाँ पे ये पूछा गया है हमसे। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड अ सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी नेमली, नाम क्या दिया गया है, परम पुरुल एट द आईआईटी गुवाहाटी इन आसाम। तो ये सही नहीं है, ये गलत है, परम पुरुल नहीं, ये इसका नाम है परम कंपूरा, ठीक है, सही आंसर है आपका परम कंपूरा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी आईआईटी गुवाहाटी आसाम में लॉन्च किया गया, तो पहला आपका गलत हो गया। सी ऑल्सो इनॉग्रेटेड समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च लैबोरेटरी एट द आईआईटी गुवाहाटी, तो ये आपका सही है, समीर लॉन्च किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। फाउंडेशन लेड फाउंडेशन स्टोन लेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर टू जोनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्गोलॉजी टू बी सेटअप इन डिब्रूगढ़ आसाम एंड जबलपुर मध्य प्रदेश, तो ये भी आपका सही है। सो योर आंसर विल बी ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट बल्क ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क इंडिया का पहला कौन से स्टेट में बनने के लिए फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली डाला है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कौन सा जगह, हरोली, हरोली ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके गाइस, और इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना डिसाइड किया गया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट रुपीस 1900 crores, ठीक है, खर्चा इसके लिए 1900 करोड़ होगा बोल के एक्युमुलेट किया गया है, ठीक। चलिए सो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स क्लास, हम डेली करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक द क्लास, एंड अगर आपको सही लगता है डेली करंट अफेयर्स क्लास तो गिव थम्स अप टू इट, लाइक एंड बाय लाइकिंग एंड कमेंटिंग इट, ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।